लंबे समय से चली आ रही AIADMK के विलय की कोशिशें आज सफल हो गईं। पार्टी के दोनों धड़े सोमवार को एक हो गए। पलानीस्वामी ने इस विलय की घोषणा की। पनीरसेल्वम पार्टी के संयोजक होंगे, वहीं पलानीस्वामी को सह संयोजक बनाया गया है। पनीरसेल्वम को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 9 साल पुराने इस मामले में एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासनकाल में एक एक कर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े आरोपियों को क्लीन चिट दी जा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर कथित हिंदू आतंकवाद के नाम पर साजिश कर बेगुनाहों को फंसाने का आरोप लगाया है। इस हफ्ते नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस कड़ी में बीजेपी के कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है और इसमें JDU और AIADMK पार्टियों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में नीतीश कुमार की JDU ने फिर से बीजेपी के साथ नाता जोड़ते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA में शामिल होने की घोषणा की है। बिहार के सृजन घोटाले से जुड़े आरोपित की मौत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल RJD ने इसे संदिग्ध मौत बताया है। पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इसे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले जैसी संज्ञा दे दी है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर के जरिए लिखा कि ये सृजन महाघोटाले में गिरफ्तार 13 लोगों में से पहली मौत है और मरने वाला व्यक्ति भागलपुर में नीतीश कुमार की पार्टी के एक बहुत अमीर नेता का पिता था। असम में बाढ़ से प्रभावित 16 जिलों में बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि ट्रस्ट ने 200 ट्रकों में राहत सामग्री भेजी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सोमवार को कहा कि बाढ़ प्रभावित असम के 16 जिलों में फंसे लोगों की मदद के लिए पतंजलि श्रमिकों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना से मानहानि केस से जुड़े एक मामले में माफी मांगी है। कांग्रेस नेता ने पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगते हुए कहा है कि एक सहयोगी के बहकावे में आकर उन्होंने भड़ाना पर आरोप लगाए थे। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हो गई। इसमें देर रात 3 बच्चों की मौत की ऑक्सीजन बंद होने की वजह से मौत बताई जा रही थी। हालांकि स्वास्थ्य सचिव सुब्रत साहू ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि रात में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकी थी बल्कि कम हुई थी। उनके इस बयान के कुछ देर बाद ही अस्पताल में एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में गहरा दुख जताते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। असहिष्णुता के मुद्दे पर गीतकार जावेद अख्तर ने फिर से मोर्चा खोल लिया है। पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जिस जगह सवाल करने की इजाजत नहीं हो वह जगह खतरनाक है, वो सरकार, समाज, गांव और आबादी ही ठीक नहीं होगी। लगातार दूसरे दिन घरेलू स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए। हैवीवेट स्टॉक इन्फोसिस में 6% तक की गिरावट मार्केट पर हावी रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 266 अंक गिरकर 31,259 अंक पर और निफ्टी 83 अंक लुढ़ककर 9,754 अंक पर बंद हुआ है। वरुण धवन, तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस स्टारर जोड़वा 2 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च बाकी ट्रेलर से बिल्कुल अलग तरीके से। दरअसल फिल्म का ट्रेलर लॉन्च 100 जुड़वाओं के साथ किया गया। फिल्म के कई सीन और म्यूजिक आपको पुरानी जुड़वा की याद दिलाएंगे। तुम पीछे गया? यस, पीछे गया मतलब तुम ऑलराइट है। अगर तुम में बीमारी होती तो तुम मेरा भी चमड़ा तोड़ देता। गॉड, आपने कितने मेरे किल्स किए, प्लीज मुझे फिटनेस से बचा लो। गॉड प्लीज, आई कांट टेक इट, आई एम वेरी वीक। आज अगर मेरा दूसरा बेटा जिंदा होता तो अपने भाई को ऐसे रोने नहीं देता। राजा की इज्जत ना कोई सौंदर्य साबुन की टिकिया नहीं है, तू तो घिस घिस के धो धो के फेंक डाले। कैसी है तू, सिंगल है क्या? एक्सक्यूज मी, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। शट अप। क्या तुम मुझे थोड़ा सा म्यूजिक सिखा सकते हो? थोड़ा क्यों, मैं आपको पूरा म्यूजिक सिखा सकता हूँ। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, ऐसे मैं आऊं। अलिश का एक सवाल बनता है, अफगानिस्तान का कैपिटल बताओ। काबुल। क्या? काबुल। मंजे? काबुल। शेख साहब, आपकी बेटी ने 3 बार काबुल बोल दिया, ये ला हबीबी। राजा।